हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विथ हैप्पीनेस में। या दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ में और मेरे पीछे देखिए अंबेडकर मेमोरियल पार्क। जी हां दोस्तों, जहां पर जो है मायावती द्वारा बनाया गया था, शानदार सा पूरा व्यू है पीछे की तरफ। तो दोस्तों, पूरा इस वीडियो में देखेंगे अपन कि जो है अम्बेडकर पार्क में जो है क्या क्या चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं अम्बेडकर जो मेमोरियल पार्क है उसके जो है बाहर वाले गेट पर। और यहीं पर जो है आपको जो है साइड में जो इधर से देखिए लेफ्ट साइड में जहाँ फव्वारा लगा हुआ है, इसके पीछे जो है टिकट काउंटर है और यहीं से जो आपको टिकट लेना होता है दोस्तों। 25 रुपये का यहाँ पर टिकट है एक जन के लिए। तो जो है ये काफ़ी जो है सस्ता टिकट ही है यहाँ पर। इस इतने बड़े जो है पार्क को देखते हुए, काफ़ी बड़ा जो पार्क है। और अभी जो हमें मेन गेट से जो है अंदर घुस चुके हैं और देखिए यहाँ से जो जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा जो ये अंबेडकर मेमोरियल पार्क है वही दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों, अब यहाँ से जो है हम लेफ्ट साइड में जो है अंबेडकर जो स्तूप बना हुआ है उसको मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। या दोस्तों, अंबेडकर स्तूप यानी कि जो सांचे का जैसे स्तूप बना हुआ है वैसा ही जो है स्तूप बनाया हुआ है, जिसके जो है 4 गेट हैं और ऊपर जो है पूरा फूल के आकार का जो है काफ़ी बड़ा जो है, देखिए सामने जो दिखाई पड़ रहा है आपको किले जैसा, यही जो है अम्बेडकर स्तूप है, उसके नाम से जो जाना जाता है। दोस्तों, ये जो गार्डन है इसकी आधारशिला तो जो है काफ़ी पहले रख गई थी 1995 में, फिर 2002 में भी इसमें काफ़ी कुछ विकास करे हुए। और जब मायावती की सरकार आई तो उन्होंने जो है काफ़ी बड़े लेवल पर इसको बनाया और 14 अप्रैल 2008 को जो है जनता को जो इसको सौंपा। और इसका एरिया जो है दोस्तों 108 एकड़ में जो ये फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबा चौड़ा। और यह जो गार्डन जो पूरा बना हुआ है, यह जो राजस्थान से जो है लाल बलुआ जो पत्थर जो है पूरा उनसे बना हुआ है। बीच बीच में जो है कुछ जगह जो है हल्की फुल्की गार्डनिंग की गई है, अन्यथा इस पूरे जो पार्क है या मेमोरियल जो स्थल है इसको जो है दूसरे नाम से जो है भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल उसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा जो है पत्थरों से बना हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, यानी जो कि जो है लखनऊ का जो है हैवी स्ट्रक्चर्स में जो है इसको गिना जा सकता है। और कोई भी जो लखनऊ में आता है दोस्तों तो इस पार्क में आए बिना नहीं रहता है। यह पार्क जो है काफ़ी बड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो है सम्मान में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है वह जो है भीमराव अंबेडकर जो है काफ़ी बड़ी जो हस्ती थे और उन्हीं के जो बनाए कानून की वजह से जो है आज जो है देश में जो है कानून व्यवस्था जो बनी हुई है और सभी जो है सामाजिक समरसता जो है वो भी जो एक तरीके से बनी हुई है। भीमराव अम्बेडकर जो कि जो है काफ़ी उस समय के जो है विद्वेता थे और उन्होंने जो है कानून की जो है संविधान जो बनाया वो और उनकी टीम द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है इस प्रक्रिया में लगे थे और उन्होंने जो है देश को जो है संविधान सपोर्ट किया था। अब जो दोस्तों देखिए, अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर और यहाँ पर लगी है देखिए कितनी बड़ी जो मूर्ति। जी दोस्तों, काशी की जो है मूर्ति लगी है और इसके नीचे जो है टैगलाइन है मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। जी दोस्तों, अंबेडकर का जो है कि मैंने जो जीवन संघर्ष किया है उसी से आप जो है शिक्षा ले लीजिए, वही जो आपके लिए मेरा जो है संदेश है। काफ़ी बड़ी जो है ये मूर्ति है। और आसपास जो है दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा ये देखिए इस पर लिखा हुआ है कि कब तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है, किसके द्वारा। साथ ही जो है नीचे हिस्ट्री वगैरह की जो इसकी लिखी हुई है कि जो ये है बाद में क्यों यहाँ पर बनाया गया। इसके अलावा जो देखिए जो मेन ये देखिए गुंबद जो है इसके अंदर जो है अलग अलग जो है भीमराव अम्बेडकर की जो है जीवन से संबंधित जो है कांसे की मूर्तियाँ जो है यहाँ पर लगाई हुई है, जो कि जो है पूरा उनके जीवन के बारे में जो है अलग अलग जो भी उनके जीवन के जो मुख्य पल रहे हैं उनको जो है यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है अम्बेडकर और उनके जो है माता पिता उनकी जो है प्रतिमा लगाई हुई है। यहाँ पर देखिए नेहरू जी और उनको जो है बनाई हुई है। इस प्रकार से जो है अलग अलग जो संदर्भ रहे हैं वो जो है यहाँ पर उकेरे गए हैं। ये देखिए सामाजिक समरसता के लिए जो और सामाजिक उत्थान के लिए जो भीमराव अम्बेडकर जी ने काम किया था वह जो है उसके बाद जो है कोई भी जो है विद्वेता या जो है नायक जो है इस देश में नहीं हुआ है जो कि जो है इतना महत्वपूर्ण कार्य कर सके, जो कि जो है अमीर गरीब सबके लिए जो है समान कानून बना सके और ऐसे कानून बनाए जो कि जिनकी जो पालना है सभी करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो है इस गार्डन में जो है और भी जो है
इस अंबेडकर स्तूप के सामने जो है वह भी जो है काफ़ी बड़ा जो है उसके अंदर जो है दोस्तों ज्योतिबा राव फुले, नारायण गुरु, बिरसा मुंडे, साहू जी महाराज, कांशीराम आदि के जो हैं उनकी भी जो है प्रतिमाएं लगाई हुई है। और यहाँ पर जो मैं कह रहा था दोस्तों, देखिए इस प्रकार से आप जो है चढ़ के ठेठ ऊपर तक जा सकते हैं और चार गेट जो है इसके जो है चारों तरफ जो है इसके बनाए हुए हैं और बीच में जो है फूल से आकृति है, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा दिखता है। इस स्थल को बनाने में है जो दोस्तों 108 करोड़ रुपए खर्च हुए जी दोस्तों। और यहाँ पर जो है कई सारी जो है फिल्में हैं उनकी शूटिंग भी हो चुकी है, क्योंकि ये मैं जस्ट बता रहा था आपको दोस्तों कि ये अपने आप में जो है मेगा स्ट्रक्चर है और कोई भी जो है फिल्मकार या जो कोई पर्यटक आता है तो इसकी लोकेशन और इसके जो बनावट को देख के जो है मंत्रमुग्ध सा हो जाता है और वह जो है यहाँ से उसकी जाने की इच्छा भी नहीं करती है। देखिए कितना ह्यूज जो है एक तरीके से मेगा स्ट्रक्चर है, यानी कि जो है लाल किला जैसा बना हुआ है वैसे ही एक किला और बन गया हो, तो यह जो है काफ़ी बड़ा और बड़ी जगह पर बना हुआ पार्क है। और देखिए दोस्तों एक वीडियो में जो इसको कवर करना मुश्किल है, तो मैं जो है एक वीडियो और जो आपके लिए लाऊंगा जिसमें जो मैं इसको जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो भी अपन देखेंगे। देखिए सुंदर सा सामने जो मैं दो बता रहा हूँ उन्हीं के अंदर जो है और भी जो महापुरुष है उनकी जो है मूर्तियाँ लगी हुई है और पूरा जो स्ट्रक्चर है देखिए कितना बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो जो है पूरा पत्थर से बना हुआ है, केवल बीच में जो है कुछ कुछ जगह पर जो है पौधे जो है लगाए हुए हैं, अन्यथा ये जो देखिए कैमरे से मैंने कैद करने की कोशिश की है यह पूरा स्ट्रक्चर है जो पत्थरों से बना हुआ है और बीच बीच में कुछ जगह वहीं पर की जो है केवल गार्डनिंग की हुई है। काफ़ी बड़ा और दोस्तों यहाँ पर जो है लखनऊ के ही नहीं आसपास से जो भी यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं तो वह जो है इस जगह पर आए बिना नहीं रहते हैं। यह जो है गोमती नदी जो है उसके किनारे पर ये बना हुआ है और इस पार्क के अलावा जो है एक नेचुरल पार्क भी है पास में है जो नदी किनारे काफ़ी बड़ा है, जिसमें जो है पेड़ पौधे हैं। और बताते हैं कि यह जो है भारत का जो है सबसे जो है अच्छा रिवर फ्रंट है या दोस्तों अहमदाबाद में भी ऐसा रिवर फ्रंट जो है नहीं है, यानी जो है आप घूमने के लिए इतना बड़ा पार्क और जो नेचुरल जो पेड़ पौधों का पार्क है वह भी जो है काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर जो है देखिए यह जो है स्तंभ लगाया हुआ है, संविधान स्तंभ इसे कह सकते हैं, जिसमें जो है बाबा अम्बेडकर द्वारा जो संविधान की जो प्रस्तावना और जो थी वो जो है यहाँ पर उकेरी गई है और संविधान का उद्देश्य है उसके बारे में जो है बताया हुआ है। जी हाँ दोस्तों काफ़ी बड़ा मेगा स्ट्रक्चर, देखिए थंबे भी जो है काफ़ी बड़े और इन पर जो है छोटे छोटे हाथी लगाए हुए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर दोस्तों पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बने रहें कल के जो है आधे पार्ट के लिए।